उससे पहले एक नजर कोरोना टॉप 20 पर। भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 32 लाख से ज्यादा। देश में कोरोना के 7,07,267 एक्टिव केस। देश में इलाज के बाद 24 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। कोविड की चपेट में आने से अब तक 59,449 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में 3,76,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल किए गए टेस्ट। मंगलवार को एक दिन में 8,23,992 नमूनों की गई जांच। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 30 सितंबर तक सभी आयोजनों पर बैन। धार्मिक राजनीतिक आयोजन की इजाजत नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। यूपी सरकार के एक और मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी हुए संक्रमित। अब तक 2 मंत्रियों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में 49,575 एक्टिव केस। 1,44,754 लोग हो चुके ठीक। 3,059 लोगों की मौत। अब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से की अपील, कहा मेरे संपर्क में आए लोग अपनी जांच करवाएं। महाराष्ट्र में 1,66,239 केस एक्टिव। 5,14,790 लोग हो चुके हैं ठीक। 22,794 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 52,128 एक्टिव केस। 3,32,454 लोग हो चुके ठीक। 6,721 लोगों की मौत। गुजरात में 14,661 एक्टिव केस। 71,236 लोग हो चुके ठीक। 2,928 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 89,932 एक्टिव केस। 2,78,247 लोग हो चुके ठीक। 3,460 लोगों की मौत। असम में 19,518 एक्टिव केस। 74,814 लोग हो चुके ठीक। 260 लोगों की मौत। बिहार में 19,716 एक्टिव केस। 1,04,301 लोग हो चुके ठीक। 519 लोगों की मौत। पंजाब में 14,254 एक्टिव केस। 29,145 लोग हो चुके ठीक। 1,178 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 12,225 एक्टिव केस। 42,310 लोग हो चुके ठीक। 1,265 लोगों की मौत। राजस्थान में 14,219 एक्टिव केस। 58,126 लोग हो चुके ठीक। 980 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 27,349 एक्टिव केस। 1,14,543 लोग हो चुके ठीक। 2,909 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 2,04,00,000 संक्रमित, इसमें से 8,00,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 1,66,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर। यहां पर अब तक 59,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के हो चुके शिकार। 32,00,000 लोग हो चुके हैं ठीक। ब्राजील में 36,74,176 एक्टिव केस, इनमें से 1,16,666 लोगों की मौत।